जिंदाबाद डॉक्टर सर, जिंदाबाद डॉक्टर सर, जिंदाबाद सलमान निजामी सर, जिंदाबाद सलमान निजामी सर, जिंदाबाद मैं अपनी तरफ से अपने कायद जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का, अपने पार्टी चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी साहब का, जनरल सेक्रेटरी आर एस चिप साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुझ पे भरोसा करके मुझ पर भरोसा किया। और ये जो बात कैंडिडेट्स की है, गुलाम नबी आजाद साहब ने पहले भी एक आम आदमी को एक दुकान से उठाकर अपना हाथ सर पे रखा और यहाँ की आवाम इन्होंने आजाद साहब से वफादारी की और उस कैंडिडेट को यहाँ से जीत के भेजा। तो वैसे ही गुलाम नबी आजाद साहब को लगा कि यहाँ पे काबिल तरीन और जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके एक अपना प्रोफेशन छोड़ के पब्लिक की खिदमत के लिए आया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ आवाम की, यहाँ के पब्लिक की हम खिदमत करें। बहुत से मसाइल हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार परेशान है, इस वक्त बहुत बुरी हालत है क्योंकि काफी लीडर्स जो पहले आजाद साहब ने बनाए उन्होंने यहाँ के गरीब जनता पर बिल्डोजर चलाए, वो सब लोग जानते हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष नरेंद्र रैना जी का, आदरणीय अशोक गोयल जी का, कि जो संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के असेंबली में भेज रहे हैं। मैं पूरे जितने भी हमारे लगभग 5 मंत्रियों से 170 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक पोलिंग बूथ से कार्यकर्ता आए और पूरे रामबन जोन जोन से भी आपने देखा और सुबह से जल संलाप यहाँ पे हुआ है। मैं अपने से गहराई से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं इनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जो इन्होंने विश्वास मुझ पर किया, पूरी पार्टी ने किया, पूरे कार्यकर्ता ने किया, हजारों की तादाद में किलोमीटर चलकर लोग आए हैं और बड़ा ही जोश है। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से स्नेह करते हैं, मोदी जी के प्रति एक आदर भाव है और ये आदर भाव आज रामबन में जम्मू कश्मीर के हर कोने में दिख रहा है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैं अपना नामांकन करना चाह रहा हूँ और ये नामांकन सूरज सिंह का नहीं है, ये रामबन असेंबली के और ज़िला रामबन के लोगों का है और ये जंग रामबन असेंबली के लोगों की, रामबन असेंबली की अपनी जंग है, वहाँ के हर एक लोगों की, हर एक वोटर की है और उस जंग में एक इनका मैं प्रत्याशी हूँ। ये हर एक पार्टी का अपना नियम होता है, उनने जो कार्य किया होगा वो उनका कार्य उनको साझे, लेकिन जनता का काम अगर हमें साझ रहा है तो हम उसको नतमस्तक।
मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर हैं जो बड़े बड़े वादे कर चुके हैं 10 साल या 15 साल यहाँ की आवाम के साथ। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये नौजवान मैदान में नहीं होता, जहां तक मुझे लगता है। लगता क्या, नौजवान जानता भी है कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ के जो लेबर वेजेस मारे गए कंपनियों के अंदर मजदूर गरीब लोगों के, उन पे इन लोगों ने बात नहीं की, वो आप भी जानते हैं कि किसने बात की या किसने नहीं की। तो बस हम आम आदमी पार्टी की जो नीतियां दिल्ली और पंजाब के अंदर है उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट दिल्ली के अंदर फ्री दी जा रही है, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट में 2500 मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है। आई उमदुल्ला कहता है कि मैं 200 यूनिट जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइट फ्री करूंगा, आज से पहले